अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 86 साल के जोशी का बयान दर्ज किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के भी शुक्रवार को इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुरली मनोहर जोशी ने अपने बयान में कहा कि वो घटना में शामिल नहीं थे, उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मामले में इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। भारत में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 45,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,129 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार हो गई है। वहीं संक्रमण से 29,861 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि भारत में रिकवरी रेट 63.18% है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को अब 20,000 से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 1,00,000 रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को सचिन पायलट और अन्य कांग्रेसी विधायकों द्वारा अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर कल आदेश पारित करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध की आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में कोविड-19 महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर 7 सितंबर तक होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी वैसे ही चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आयोग ने कहा है कि केवल 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को स्थगित किया गया है। भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अब आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ ही साथ जज एंड एडवोकेट जनरल आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया को खरीद लिया है। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल भी लेकर आ रहा है। 24 जुलाई यानी कल का दिन पृथ्वी के लिए बेहद अहम और जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार एक बड़ा उल्कापिंड 24 जुलाई को धरती के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से भौगोलिक उथल पुथल हो सकती है। ये उल्कापिंड लंदन आई से भी बड़ा है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।